No, no, not at all. He just is a Hitler in the making of him. So he's a Hitler as a director. No, he's. I think it's making a film is the toughest job. I truly believe that cinema is a director's medium. And he had a lot on his plate, and I think 2454 gave him all the support. Like I said, we shot in 26 locations, which is a lot. That's what I'm coming at. 26 locations, 38 days. So Kona Kona Chappa Chappa, we have shooting in Abu Dhabi. Mein. So it doesn't. I don't think anyone else would have explored Abu Dhabi in the way Rohit did. And Abu Dhabi, I mean. Abu Dhabi is a character in Dishoom. It's not just, you know, a place. It's actually a character in the film, besides me, John and Jackie. It plays a very important part. We had a great time over there. The ministry was outstanding, 2454, the type of support they gave us on everything. Best welcome. Yeah. So, Jackie, you, Abu Dhabi that you thought was amazing. They were really cool, and I think was it the, I just missed it, but the fastest roller coaster. I went on that one. So I was dying to go on that. Because like I love adventure sports, I just love this thrill. And I mean, Abu Dhabi hosts so many of them. I don't think so. That's very difficult to do in any city because you have to shut down a lot of things. So the type of support we got to do that, yeah, with two men just hanging off a helicopter, having a car passing. I mean, it can call, it's a nightmare, but they got us the permissions to do that. आम तौर पे जब promotion होता है, तो मतलब जहाँ भी shooting होती है, जो कुछ होता है, please थोड़ा कि पहले इसके बारे में बात की जा रही है, film को भी फायदा मिले. ये event ऐसा है कि 2-3 महीने के बाद इसके बारे में बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये क्योंकि हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फिल्म प्रमोट करने के लिए नहीं कर रहे. फिल्म तो ऑलरेडी प्रमोट हो गई, रिलीज हो गई, अच्छा किया, टीवी पे आया, हाइस्ट किया, पे आ गए, ये हो गया प्रमोशन. ये इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि वी जस्ट वांट टू टेल पीपल दैट वी हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अबू धाबी विद 2454 विद द मिनिस्ट्री ऑफ अबू धाबी. एंड वी वांट टू टेल मोर पीपल इन आवर इंडस्ट्री दैट आपको जाके वहां पे शूटिंग करना चाहिए. वो में बहुत इजीली शूटिंग होती है वहां पे, और लॉजिस्टिकली इकोनॉमिकली इट्स बीन वेरी फ्रूटफुल फॉर द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर. वी सर्कुलेटेड दिस अमंग आवर प्रोड्यूसर्स आल्सो. दिस इज द रीजन आफ्टर 3 मंथ्स. कोई यादगार मोमेंट अगर सब शेयर कर पाए, कि सबसे यादगार मोमेंट एक बहुत यादगार मोमेंट था जब साजिद सर अबू धाबी आए थे एंड एक हेलीकॉप्टर राइड के लिए हम लोग गए थे. It's also a secret. And we saw a beautiful ceremony also over there. We danced in a wedding over there. And generally, as the photos we bought, videos we have, there are John, me, Jacqueline, Sajid sir, and even Rohit. Rohit did not answer. And that too was on our first day. That was us landing in Abu Dhabi. नोटिफिकेशन जारी किया है. इसे जाहिर है कि अगर ऐसा वो फैसला मानते हैं तो प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, करण जौहर को नुकसान होगा, अगर इन चार राज्यों में कुछ थिएटर्स में फिल्म रिलीज नहीं होती तो आपका टेक क्या, आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि मुकेश भट्ट ने इसका विरोध किया है और गिल्ड की तरफ से करण जौहर को सपोर्ट किया है. मैंने उनसे बात किया. इस सवाल के तीन पार्ट है. एक पार्ट है कि जो आज हम संघ गुजर रहा है जिस चीज से, वी हैव टू से दैट वी ऑल आर बिहाइंड आर नेशन, बिहाइंड आर्मी. ये हो गया एक जवाब. सेकेंड जवाब है, आवर एसोसिएशन जितनी भी है सालों ने डिसाइड किया है कि एट प्रेजेंट वी नॉट गोइंग टू वर्क विद देम. थर्ड सवाल है, इट्स अनफॉर्चुनेट विद करण दैट दिस फिल्म वाज स्टार्टेड 2 years बैक जब माहौल कुछ और था. सो वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट ऑल द पार्टीज, ऑल द कंसर्न अथॉरिटीज, कि ही इज एन इंडियन शुड नॉट सफर फ्रॉम अ हैंड ऑफ एन अनदर इंडियन. तो मैं चाहता हूं इसका रिक्वेस्ट हर जगह जाएंगे, संडे मंडे ट्यूजडे सबसे रिक्वेस्ट करेंगे वन बाय वन, प्लीज एन इंडियन सिटीजन प्लीज हेल्प हिम. एंड आई थिंक सो हमारी टीम सब सोच रही है विल बी सक्सेसफुल. जैकलीन आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में?
I totally agree with what Sajid sir said and stand by him. Or that's Abu Dhabi is the character itself in your movie. So it means quite how enchanted are you with Abu Dhabi. So what are the few things you can just count up for Abu Dhabi that one needs to go there? There are a lot of things that we shot at Marina Bay, whether it's Ferrari World, whether so many locations that are so beautiful. In fact, I have a very early memory about Abu Dhabi when my father actually shot over there for Do Not Disturb in the Palace Hotel. And I was there as a kid during that time, and I was totally amazed by that hotel and how beautiful it is. And at that time, I was sure that when the Prime Minister of India visits the country, his room is here. And someone had taken me up and I had seen the room from outside, that Hamare Pradhanmantri Bahar Rehte Jabhi Yadgar Jaate. So, a lot of memories. And then when I came back to the country after so many years, there's so much infrastructure that has grown. It's so holiday. I think we have a script. Okay, Varun, if you want to ask, very often as well. मैं ट्रेनिंग के लिए बैंकॉक में शूटिंग किया था एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम बट स्टूडेंट के लिए भी बैंकॉक में शूटिंग किया था बट फर्स्ट टाइम आई हैव शॉट इन अबू धाबी आई स्पेंट नियरली 38 टू 40 डेज ओवर देयर तो बहुत और मेरा जो कैरेक्टर था वो वहीं का था जुनैद अंसारी जो है वो वहीं का रहने वाला है तो एक मतलब मेरे लिए वो एक आइडेंटिफिकेशन हो गया था सो दैट्स व्हाई आई एंजॉय अ लॉट वर्किंग विद हिम जब जब आप लोग ये सवाल करते हो तब मुझे प्रेशर फील होता है उसके बारे में इतना सोचा नहीं आई थिंक यू जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो एंड जुड़वा मन भी जुड़वा वाज मेड लाइक दैट आई थिंक आई डोंट थिंक दैट साजिद सर That thought ki ye bahut badi hit hogi ya ye hoga. So right now I don't think any of us are thinking much. We are just going out there to make a film that will entertain people.